जज साहब, मुझे माँ बनना है, मेरे पति को छोड़ दीजिए। कलेक्टर ने नहीं सुनी तो जज के पास पहुंच गई महिला। जज ने सुनाया ऐसा फैसला, घंटों तक बजती रही तालियां। कई लोग पिता इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो जेल में होते हैं और पत्नी के साथ वक्त नहीं गुजार पाते। ऐसे में एक ऐसा फैसला आएगा जिसके बाद आप कहेंगे, पिता बनने का हक हर किसी को है। अगर जीवन में कोई ये गलती हो जाए तो उसकी सजा अगली पीढ़ी को नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी कहानी जो आपको प्रेरित करेगी। ये हिंदुस्तान है, यहाँ जीने के लिए सबको अधिकार मिलता है और कैसे जीना है इसका भी अधिकार तय होता है। ये घटना बिल्कुल सच्ची है। कई बार कोर्ट में ऐसा मामला जाता है कि कानून के पन्ने में उसका नियम नहीं होता, संविधान में ऐसे सवाल ही नहीं होते। तब मदद ली जाती है हमारे वेदों की। वेदों में लिखी बातों पर ही जज ने ध्यान दिया और वो फैसला सुना दिया जिसका समाज में एक बड़ा असर पड़ेगा। अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं। ये घटना राजस्थान की है। महिला ने कोर्ट में दलील दी कि वो माँ बनना चाहती है। प्राकृतिक तरीके से माँ बनने के लिए पति का होना जरूरी है, लेकिन पति तो जेल में है, ऐसे में उन्हें पैरोल पर बाहर आने का मौका मिलना चाहिए। मामला राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का है। महिला का पति नंदलाल फरवरी 2019 से अजमेर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। आरोपी नंदलाल की सजा होने के कुछ वक्त पहले ही शादी हुई थी। इस बीच पत्नी ने कलेक्टर से नंदलाल को कुछ वक्त के लिए पैरोल देने की गुहार लगाई, लेकिन कलेक्टर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। शायद UPSC में ऐसा ना पढ़ाया गया हो, लेकिन महिला ने हार नहीं मानी। वो जोधपुर हाई कोर्ट पहुंच गई और कहा कि मुझे माँ बनना है, मेरे पति सजा काट रहे हैं लेकिन वो प्रोफेशनल अपराधी नहीं है, मेरी अगली पीढ़ी का सवाल है। 15 दिन के लिए पति को पैरोल पर बाहर आना चाहिए। ये बात सुनकर सबका दिमाग चकरा गया। जज ने आदेश दिया कि सब फाइल खोलकर खोजो कि क्या कभी ऐसा फैसला दिया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। महिला की बात बेहद गंभीर थी। अगली पीढ़ी और वंश संरक्षण के लिए महिला की गुहार को कैसे ठुकराया जा सकता था। फिर जज ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कानून के पन्नों में कुछ नहीं मिला। फिर जज को हिंदू सभ्यता की समझ थी। उन्होंने ऋग्वेद और वैदिक काल से कुछ उदाहरण लिए और सुना दिया ऐतिहासिक फैसला। जज संदीप मेहता और फरजंद अली की खंडपीठ ने इस मामले पर कहा कि वैसे तो संतान उत्पत्ति के लिए पैरोल से जुड़ा कोई साफ नियम नहीं है, लेकिन वंश के संरक्षण के लिए संतान उत्पत्ति जरूरी है। ऋग्वेद और वैदिक काल के उदाहरण के अनुसार संतान उत्पत्ति एक मौलिक अधिकार है। पत्नी की शादीशुदा जिंदगी से संबंधित यौन और भावनात्मक जरूरतों की रक्षा के लिए 15 दिन की पैरोल दी जाती है। धार्मिक आधार पर हिंदू संस्कृति में गर्भधान 16 संस्कारों में से एक है, ऐसे में इस आधार पर भी अनुमति दी जा सकती है। हमारी अदालतें भी समाज का हिस्सा होती हैं, जज भी उसी समाज से होते हैं। फर्क बस इतना है कि कर्म के हिसाब से किसी को जेल होती है तो कोई जज की कुर्सी पर बैठा होता है। कलेक्टर साहब के पास जब महिला गई तो शायद वो मामले की गंभीरता को नहीं समझ पाए, लेकिन जज ने तुरंत समझ लिया। फिलहाल ये कहानी जोधपुर भीलवाड़ा के साथ साथ पूरे देश में चर्चा में है। ऐसे कई मामले देश में पेंडिंग है। वंश को बढ़ाने के लिए पैरोल मिलनी चाहिए ताकि अपराधी भी समझ सके समाज में पिता की भूमिका क्या होती है। फैसला बेशक एक छोटे से केस का हो, लेकिन संदेश ऐसा था कि आप तक पहुंचना ही चाहिए था। दूसरों का सम्मान करने वाला ही सही सिस्टम का हकदार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।